हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती की ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल। आखिर हम मोबाइल चलाते चलाते हमारा टाइम जो है कम निकल जाता है, हमें जो है इसका नॉलेज ही नहीं रह पाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी मेरे ITI स्टूडेंट्स हैं, कुछ दिनों में जो है एग्जाम होने वाले हैं ITI स्टूडेंट्स के अलावा, ये बाकी सभी स्टूडेंटों के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि आखिर इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। आपने देखा होगा कभी हम मोबाइल लेकर बैठते हैं तो कभी हम इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, तो कभी फेसबुक खोल लेते हैं, तो कभी व्हाट्सएप खोल लेते हैं, कभी स्नैपचैट, तो कभी यूट्यूब। तो ये सारे ऐप्स जो है हम चलाते चलाते जो है हमें पता ही नहीं चलता है कि आखिर हमारा कब 2 से 3 घंटा जो है निकल जाता है। और जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जो बहुत ही लॉस वाला समय है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है। तो हमें क्या करना है कि आज मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर आप अपने ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि आप जो है कम से कम जो है मोबाइल का यूज़ करें। कभी कभी क्या होता है कि हमारे मन में जो है दिमाग में ये चल रहा होता है कि मात्र मैं 2 मिनट से ज़्यादा नहीं चलाऊंगा फ़ोन, है ना। उसके बाद जो है क्या करते हैं, 2 मिनट के बाद 10 मिनट, 50 मिनट और 1 घंटे 2 घंटे कब हो जाता है ये हमको भी पता नहीं चल पाता है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐप्स हैं जिसको आपको इंस्टॉल करना होता है अपने मोबाइल में, लेकिन आज मैं आपके मोबाइल में ही ये सेटिंग करने बताने वाला हूँ कि आखिर अपने मोबाइल में ही आप किस प्रकार से सेटिंग करके ये चीज कर सकते हैं कि आप इस ऐप पर्टिकुलर ऐप को जो है आप 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट से ज्यादा जो है आप यूज नहीं कर सकते। चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि आप किस प्रकार से अपने मोबाइल की सेटिंग में जाकर के ये ट्रिक के माध्यम से आप ये सेटिंग कर लेते हैं तो सिर्फ जितना आप चाहेंगे आप उतना ही मोबाइल चला पाएंगे, उससे 1 सेकंड भी ज्यादा जो है आप मोबाइल नहीं चला सकते। जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो चाहते हैं कि हम मोबाइल कम से कम यूज करें, और जो है मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं तो वो चाहते हैं कि बहुत कम मोबाइल यूज करें, है ना, तो उनके लिए ये ट्रिक जो है बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आप किस प्रकार से जो है अपने मोबाइल में ये सेटिंग जो है कर सकते हैं। तो चलिए उस पर ले चलते हैं आपको। तो सबसे पहले मैं अपने मोबाइल पर जाता हूँ सेटिंग्स में, इसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता हूँ जहाँ बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने के लिए मिलती हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के डिजिटल वेलबींग एंड कुछ करके लिखा हुआ था, उस पर मैं प्रेस करता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, मैंने कितने समय से मोबाइल चलाया है, 5 घंटे 37 मिनट ये बता रहा है। अब मैंने YouTube खोल लिया है, YouTube पे क्लिक कर लिया है, यहाँ पर एक ऐप टाइमर करके लिखा हुआ है, वहाँ पर मैंने देखा कि 25, 20, 15, 10 मिनट हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं 10 मिनट सेलेक्ट करता हूँ, है ना। चलिए इसके बाद मैं और किसी ऐप पर ये चीज़ यूज़ करके देखता हूँ कि आखिर हम किस प्रकार से उस ऐप को जो है कम से कम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा उस पर जो है हमारा जो नियंत्रण है वो हमेशा बना रहे कि हम उससे ज़्यादा जो है उस ऐप को जो है यूज़ ना कर पाएँ, है ना। ऐसे बहुत सारे ऐप होते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। चलिए एक ऐप और देख लेते हैं कोई सा, जैसे कि लाइट देखते हैं फेसबुक, इस पर मैं ऐप टाइमर पर फिर से जाता हूँ और यहाँ पर मैं 20 मिनट जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस प्रकार से आप भी अपने मोबाइल की सहायता से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने जाना कि आखिर हम कैसे जो है अपने मोबाइल में ये सेटिंग करके जो है अपने मोबाइल के द्वारा जो हमारा टाइम वेस्ट होता है उसको हम बचा सकते हैं, है ना। बता नहीं सकते हैं, बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आप किसी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कीजिए। आप देखते हैं कि कोई फ्रेंड्स मेरा जो है ज़्यादा मोबाइल पर लगा रहता है, उसको ट्रिक ये ज़रूर बताइए। अगर आपको ये ट्रिक पहले से पता थी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसमें ना किसी को ऐप इंस्टॉल करना है, ना किसी प्रकार का ज़्यादा कुछ करना है, ये सिर्फ आपको मोबाइल में ही सेटिंग करनी है। जय हिंद दोस्तों।